नमस्कार दोस्तों, फाइट कोरोना फ्लूट सीरीज के आज 230th एपिसोड में मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल मैंने नई मूवी से लिया है जिसका कि नाम है ब्रह्मास्त्र और सॉन्ग के बोल हैं, केसरिया तेरा इश्क है पिया। इसमें जो लगने वाले स्वर हैं अधिकतर मिडिल ऑक्टेव के, मध्य सप्तक के, जो लो ऑक्टेव के हैं वो प, ध और नी का इसमें यूज है। उसके अलावा सारे ग, म, प आपके मिडिल ऑक्टेव के लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा की तरह जो सबसे लो ऑक्टेव है वो स्मॉल लेटर्स में डिनोट कर रहा हूँ नोटेशंस को। जो मीडियम ऑक्टेव है, मिडिल ऑक्टेव जिसे कहते हैं, वो कैपिटल लेटर्स में। शुरू करते हैं इसका फर्स्ट लाइन है, मुझको इतना बता दे कोई। अब ये गाना आपने सुनना भी है, ठीक है दोस्तों। मुझको किस तरह से है, देखिए, दो तरीके से आप बजा सकते हैं। मुझको पापा गम गारे, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, पापा गम गारे, यहाँ पे क्या था, पापा गम गारे, तो म कम टाइम के लिए आया है तो मैंने उसको ब्रैकेट में दिखाया। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए आपको, मुझको में इतना इतना ब रे ग म, रे रे ग म ग, रे गरे में ग, बहुत कम टाइम के लिए तो वो ब्रैकेट में दिखाया गया है। कोई सा नी सा, ठीक है। नी का आपने सिर्फ इसमें कर्ण स्वर यूज करना है। पूरी लाइन देखिए, सेकेंड लाइन भी कुछ कुछ ऐसे ही है, लेकिन जो उसका पहले दो है वो अभी लो ऑक्टेव में चला गया, लो ऑक्टेव के प और ध से। कैसे तुझसे, ठीक है, कैसे तुझसे पौधा पापा रे, दिल ना रे ग म, दिल ना ल ग, रे ग रे सा नी सा। बहुत ही सिंपल, ठीक है। उसके बाद रब्बा ने तुझको बनाने में सारे ग, रब्बा ने, अच्छा इसको और अच्छा करना है तो ग से पहले म को कर दो उसको, ठीक है। स्टार्टिंग में आप सारे ग करिए, जब आपको बैठ जाता है सॉन्ग दिमाग में तो रब्बा ने सारे म ग, बहुत कम टाइम के लिए म है इसलिए उसका पता नहीं चल रहा है। तुझको प म, तुझको प म ग रे ग रे सा ग, मीट के साथ में बनाने में, ठीक है। तुझको प म बनाने में ग रे ग रे सा कर दी है हुस्न की, शुद्ध म लग रहा है ये ध्यान दीजिए,
कर दी है हुस्न की। तो मोगा रे गरे सागा। ठीक है। खाली तिजोरिया। खाली तिजोरिया। अब एक स्वर नीचे आ जाएंगे, रे पे इसका, पहले ग तक जा रहे थे, अभी रे तक जाएंगे। तो मग खाली। खाली तिजोरिया। प म ग रे ग रे सारे। काजल की सारे मगा स्याही से। प मोग रे गे सा ग, वही जैसे पहला लाइन था उसी तरह से आपने ग तक इसमें जाना है। है तूने जाने, है तूने जाने। अब ये सा तक जाएगा। अब जो अगली लाइन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया। इसको एक बार फिर से देख ले। है तूने जाने, देख रे, अलग से ध्यान दीजिएगा, ग को ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसलिए उसको जल्दी से निकालना है। ध सा सा ग म रे सा। ठीक है। आप जब प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आप उसको स्पीड से थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसको। केसरिया सा गर गर सानी। केसरिया तेरा, के सरिया तेरा, सागर गर सानी। इश्क है पी इश्क है पिया। केसरिया में कैसा है, सा गर सानी, केसरिया तेरा, इश्क है। हल्का सा कोमल निकाय आप इसमें टच दे सकते हैं। इश्क है पिया। प प नी, कोमल नी को बहुत कम टाइम के लिए। नी ध म गम गरे। ठीक है। इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं। रे नी को, नी पिछले वाले सप्तक का। रे रंग जाऊं। रे नी रे, और फिर रे गरे, फिर नी। हाथ लगाऊं, नीरे मगरे गरे सा। हाथ लगाऊं, नीरे मगरे गरे सा। अगली लाइन है, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। जो हाफ लाइन है वो शुरू हो रही है लोअर पॉ से, और फिर उसके बाद ऊपर वाले पॉ का यूज है, तेरी फिक्र में। पहले नीचे वाला पॉ है, फिर
वो सागर सानी गो, कम टाइम के लिए। तेरी फिक्र प निधा, नी कम टाइम के लिए। तेरी फिक्र में मो रेगरे। रहन सारी तेरी रे नी, मंद्र सप्तक का नी रे नी। खैर मना नी रे ग म रे गरे सा। खैर नी रे ग मगर गरे सा मना। बेस्ट, हैप्पी फ्लूटिंग।